मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे है मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर, जो कि मैंने अपने मोटापे के लिए अब लास्ट रास्ता चुना है अब मोटापा गर्म करने के लिए। तो देखते हैं अब इससे होता है नहीं होता, क्योंकि एक्सरसाइज मुझसे हो नहीं पा रही और डाइटिंग वाइटिंग भी हो नहीं पा रही है। तो अब मेरे से मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अब मैं इसको ट्राई करूँ, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं थक चुकी हूँ इन चीज़ों से। तो लास्ट ऑप्शन है, देखते हैं करते हैं, आज से स्टार्ट कर रही हूँ और बताऊँगी होता है नहीं होता। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अभी 7 से ऊपर का टाइम हो गया, 7:30 नहीं हुए अभी। तो अभी मैं आ गई हूँ शॉप पे, और झाड़ू वगैरह हो चुका है, धूप बत्ती हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो पिछले कल दीपक सामान लेके आए थे, वो लगा दिया था पिछले कल ही, तो मुझे आज सामान लगाने के लिए तो है नहीं, और ऊपर से मौसम भी ख़राब है। और सुबह सुबह मैंने जो है एप्पल साइडर विनेगर पिया है, तो उसके बाद ना पूरा छाती पेट सब जलन हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम है तो इस तरीके से हो रहा है। और यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारे लोगों का देखा था, मतलब वीडियोस देखे थे, सबके पास मतलब अच्छा ही रिजल्ट मिला है सबको, चाहे वो इससे फेस पे ग्लो भी आता है बोल रहे थे, और प्लस बेली फैट भी कम होता है। तो इसी के लिए ट्राई करूँ, लास्ट ऑप्शन है। मैं अगर लास्ट टाइम ट्राई करूँ, अगर इसके बाद ये एक शीशी की बोतल अगर वो पूरा पीने के बाद भी अगर नहीं ठीक हुआ, अगर मेरा मोटापा कम नहीं हुआ, तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि यार इसने होना ही नहीं है ना, ऐसे ना वैसे कुछ किसी भी तरीके से नहीं होना है। तो फिर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो फिलहाल ट्राई करूँगी, अगर अच्छा रहा फिर आपके साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं रहा तो फिर भगवान जाने। बाकी देखते हैं आज दिन भर क्या रहता है, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो फिलहाल मैं घर पे पहुंच गई हूँ, और जितने में मैं आ रही थी उतने बच्चे ऊपर आ रहे थे, तो बारिश हो रही है अभी, और मैं आई हूँ चाय पीने के लिए। साथ में बच्चों को भी चाय, मतलब चाय तो क्या, चाय बिस्किट खिलाती हूँ, क्योंकि विहान को बहुत पसंद है सुबह सुबह चाय बिस्किट खाना। तो मतलब चाय रस या फिर चाय बिस्किट। बाकी भाई साहब दिख रहा हूँ, ओह बहुत हैंडसम दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो विहान सुबह सुबह क्या हो गया, तो तब पूछ रहे कि मैं हैंडसम दिख रहा हूँ। तो ये बाकी वही चाय और बिस्किट खाते हैं और फिर चलते हैं, उसके बाद चलते हैं शॉप पे, थोड़ी देर ले जाती हूँ उनको भी शॉप पे, और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। साथ ही साथ मौसम की बात करूँ तो बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से, और मौसम ऐसा बना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब अच्छी वाली फीलिंग है, पॉजिटिव वाइब्स आती है जब ऐसे दिखता है ना बारिश, मतलब हरियाली में बारिश और सब कुछ। तो आजकल तो हर जगह बाढ़ ही बाढ़ है, बट फिलहाल किन्नौर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बाढ़ वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। और नीचे जो है ये राजमा भिजे हुए जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये, और साथ ही साथ चुल्ली भी हो चुके, खुबानी हो चुके, तो ये सब कुछ हो चुका है। अब चलते हैं अंदर, चाय पीते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं थोड़ी देर में, ऐसा ना हो मेरा चाय सारा गिर गया हो। तो नहीं गिरा शुक्र, मैंने यहाँ पे जाते क्योंकि मुझे दूध गिर गया था थोड़ा सा, तो अभी चाय उबलानी है। और एक और चीज़, हाँ कि क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग आज तक भी नहीं आया, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाया ब्लॉग शूट करने का क्वेश्चन आंसर वाला। तो ये और हाँ, बैक कैमरे से शूट करके देखती हूँ कैसा लग रहा है, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा तो अंदर में बिल्कुल अच्छा सपोर्ट नहीं करता, मतलब बहुत बकवास आता है। तो बैक कैमरे से ट्राई करते हैं कि कैसा लग रहा है, अभी बनाऊंगी वीडियो, फिर चेक करूंगी कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो फिर मैं बैक कैमरे से शूट करूंगी अंदर भी, क्योंकि अंदर मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं आती है कैमरे की। तो ये बाकी दिखते क्या रहता है, मिलते हैं थोड़ी देर में। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम की बात करूँ तो दिन के 1 बजने को रखे, और फिलहाल घर पे कोई नहीं है, सारे पियो गए हैं अपने अपने कामों से, और अभी मुझे शॉप भी जाना है, तो मैं पहले खा लेती हूँ और फिर चलते हैं शॉप की तरफ को। बाकी अभी हमने मैगी की रेसिपी देखी है, मतलब इंस्टेंट मैगी देखी खतरनाक वाली यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। तो जितने मैं देख रही थी उतने विहान ने देख लिया, और उसके बाद उसने जिद करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे इस तरीके से खाना, तो मैं भी बना रही हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी। हाँ जी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे रहे, मतलब कैसी रेसिपी है वो बताती हूँ आपको। ना मैगी, तो यहाँ पे मैगी का मसाला ले लिया, मैगी को अंदर बॉईल करने के लिए रख दिया है, बॉईल हो चुका है, और यहाँ पे सोया सॉस लिया है, और यहाँ पे पैन पे तेल गरम करने के लिए, तेल भी गरम हो चुका है। तो अब मैं पहले ढक्कन खोल लेती हूँ इसका, एक हाथ से तो खोलने वाला है नहीं, तो खोलती हूँ और फिर बताती हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल नाम मात्र सोया सॉस लिया है, बिल्कुल नाम मात्र, मतलब बिल्कुल नाम मात्र है, तो बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसका टेस्ट है, मैंने सुबह सुबह ही विनेगर पिया तो सब चीज़ सेम लग रही है। बाकी ये डालने के बाद जो है इसमें गरम गरम तेल डाल देना है, आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी आपको। तो तेल डालने के बाद इसको आपस में मिक्स कर लेना है, एक हाथ से हो नहीं रहा है, एक बार मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, मतलब हो गया, चलो शायद मिक्स तो हो गया, ये हो गया मिक्स। अब उसने ऐसे ही बनाया था, देखते हैं ट्राई करते क्या बनता है,
कुछ डिजास्टर बन रहा है। अच्छा बनकर देखती हूँ अभी। तो ये हो गया मसाला मिक्स, अब मैं इससे मैगी इसमें डालती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये तो हो गया कुछ फेल सा, क्योंकि अब टेस्ट तो नहीं किया बट देख के इतना बकवास लग रहा है क्योंकि उसने तो बहुत सब्जी सब्जी डाल दिया था, बट मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं था तो फिर मैंने डाल दिया। पता नहीं भाई साहब भी खाएंगे क्योंकि मैं तो नहीं खा सकती ऐसा चीज़ें, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बाकी ये खाने से ज़्यादा ये भाई साहब खेलते हैं। बस क्या कर रहे हो? तो यार तो तुझे इतने देखा तो तुझे अच्छा लगे फिर, बट मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी जो है मैगी तो बना ली बट इतना डिजास्टर इतना घटिया बना था, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाकी विहान को पसंद आया पता नहीं क्यों और वो खा रहा है बट मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। और खैर मुझे वैसे भी मैगी पसंद नहीं है क्योंकि मैं एक चीज़ को बहुत मतलब बहुत खाती हूँ, मतलब पिछले साल मैंने बहुत मैगी खाया और बाद में मेरा ऐसा हो गया कि बिल्कुल मैगी अब लोगों को देख के भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे हो जाता है, मतलब एक बार मैं चीज़ कुछ पसंद आती है उसको बहुत खाती हूँ तो कि एक दो महीने खाऊंगी और उसके बाद जब तक पूरा रज ना जाऊँ तब तक खाती हूँ, रजने के बाद फिर कभी नहीं खाती हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी अभी सुबह जो है ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाए थे कोदे के चिल्टे जो कि है ये, तो अभी बने तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ मैं चाय बना के चाय और ये चिल्टे खा लेती हूँ क्योंकि दोनों तो खा लिया मैगी और मेरे को नहीं खाना। खाना भी मैं किसके लिए ही बनाऊँ, फिर शाम में फिर कुछ और बनाना होता फिर वेस्ट हो जाता खाना, तो इससे बेहतर मैंने सोचा कि ये खा लेते हैं और फिर उसके बाद देखते क्योंकि शाम में तो फिर 4-5 बजे के अराउंड तो हम कुछ ना कुछ खाते ही है। तो फिलहाल ये खा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ मज़ा आया। The next day. Hey everyone, good morning. तो मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 7:30 से ऊपर और फिलहाल लाइट वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि पिछले कल गांव में लगी थी आग जिस वजह से ये सबके लाइट काट दिए गए थे गांव में, और उसके बाद जो है मतलब शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है तो लाइट काट दिया था। तो उसके बाद लाइट चली गई थी, फिर थोड़ी देर में आ गई थी लाइट वापस, उसके बाद जो गई तो अब तक नहीं आई है, मतलब कि पूरे 12 घंटे से ऊपर हो गए लाइट नहीं है। और लाइट नहीं है तो है बट साथ में सिग्नल भी नहीं है। रात को फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था हमने गाड़ी में पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सिग्नल भी नहीं है। तो ना जियो में सिग्नल है ना घर में लाइट है। पानी भी पिछले कल ही आया है, पानी भी नहीं था और बारिश जो है वो ज़ोरों शोरों से हो रही है, तो मतलब नहाने तक के लिए ना लाइट है ना पानी है। तो मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि एक दिन छोड़ के नहाने के आ जाते तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये बाकी देखते क्या रहता है आज दिन भर। फ़ोन में थोड़ा बहुत बैटरी है इससे थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी और अब बेली बैठी हूँ तो वीडियो को एडिट कर दूँगी पिछले कल वाले को। तो ऐसे ऐसे करते हैं और टाइम पास करते हैं अपना और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो विवान को भी क्रीम वगैरह लगा के मतलब पाउडर पाउडर लगा के तैयार कर दिया है और विहान को भी क्योंकि दोनों को होड़ दिया है और हाईनेक भी दिया है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश क्योंकि हो रहा है तो बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। बिल्कुल कोरा छाया हुआ है, कुछ नहीं दिखता, धुन 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 है मतलब तो कुछ नहीं है, मतलब दिख ही नहीं रहा इधर उधर, बस ये है कि बारिश हो रही है बहुत तेज़ और ये है तो अब क्या कर सकते हैं, बारिश हो रही है तो हो रही है, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बाकी अब जाते हैं खाना खुना बनाते हैं, आइसक्रीम खा रहे थे अभी तक हम और वहाँ पर दाल पकने के लिए रख दिया है, मैं हूँ यहाँ और अब राजमा की दाल डाली थी पकाने के लिए, अभी पकी नहीं है, जब पकता है ना तो यहाँ से दाल निकलती है मतलब घड़ी घड़ी से दाल निकलती है पता लग जाता है। और मैं बनाऊँगी मसाला, जितने में पक जाता है उतने में मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये सब काम करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फिलहाल मेरी राजमा की दाल बन गई, मेरे राजमा की दाल मतलब कि मैंने राजमा की दाल बना दी है और यहाँ पर धनिया कट करके रख दिया, इसको डाल देती हूँ धनिया को, धनिया बड़े मुश्किल से जो है इतने बारिश में जाके धनिया ढूंढ के लाई हूँ, मत ही पूछो कितनी मशक्क़त लगी है, तौलिया सर पे चढ़ा के गई थी इस तरीके से। और इसको हाँ मिक्स कर लेंगे और देखते हैं कैसे बनी है दाल। राजमा की दाल मैं पतला पतला ज़्यादा प्रेफर करते क्योंकि सब सूप 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 पसंद करते तो पतला बनाए गाढ़ा भी बनाए और वरना गाढ़ा भी बना सकते थे इसको मैश करके, बट ऐसा नहीं हम पतला पतला खाएंगे, मज़ा आता है राजमा बहुत है। इसको मैंने ऐसे मैश नहीं किया, ऐसे ऐसे मैश करते ना तो फिर गड़ा गड़ा बनना था। तो ये है बाकी अब खाते हैं राजमा दाल और चावल और मिलते थोड़ी देर से, और गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ देते, ठंडा हो जाएगा बाद इसका गैस निकलेगा अपने आप तो छोड़ देते। A few moments later.
तो फिलहाल मैं आई अपने कमरे में आप लोगों को अपना कुर्ता दिखाने के लिए जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। और एक और चीज़, पिछले कल का व्लॉग और आज का व्लॉग में मिला के डाल दूंगी। पिछले कल जैसे कि मैंने सुबह बताया लाइट वगैरह नहीं थी, तो ये बाकी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया। मैंने पैकेट से निकाल दिया है, जो दूसरा उसके बाहर से अनबॉक्सिंग वाला वीडियो मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी, वहाँ पर आप जाकर देख लेना। और इस पैकेट से मैंने पहले ही निकाल दिया क्योंकि बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, शर 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 और इरिटेशन होती है। तो ये बाकी ये कुर्ता मैंने मंगवाया है लिबास से, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लिबास से। तो आज तक बस यूट्यूब पे देखा ही था, काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो है वो मतलब लिबास से मतलब कुर्ता दिखाते रहते हैं हमेशा, तो लिबास सुना ही था, लिया नहीं था। तो फर्स्ट टाइम लिया, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था इसमें तो मैंने लिया, क्योंकि मेरा गूगल पे जो है वो बंद हो चुका है इस वजह से। तो ये लिया है और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और प्राइस इसका है यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 1999, तो मतलब 2000 का समझ लो, 2000 का ये, और 799 में मतलब 800 रुपये का मुझे पड़ा है। तो ऑफ में ऑफ चला हुआ था इसमें, तो मैंने ये लिया है। और मुझे ये इंस्टाग्राम पे ना ऐसे देखते देखते शो हो गया था, तो फिर मैंने खोल के देखा। और हाँ जी, तो बच्चों के साथ ना यही दिक्कत होती है, वो अंदर आते हैं शोर मचाते हैं और व्लॉग बना नहीं देते। तो ये है, इसमें जो है गले में इस तरीके से वर्क किया हुआ है, और इस ऐसे देखने पे मतलब कलर समझ नहीं आ रहा, गोल्डन भी लग रहा है और ग्रे भी लग रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कलर है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन दिए हुए हैं, जो किसी के यहाँ पे आगे सामने यहाँ पे बटन वाला जो ये है इसके लिए अगर निकल जाए तो ये। बाकी कुर्ते के स्लीव्स पे जो है ये डिज़ाइन दिया हुआ है इस तरीके से। तो ये बाकी साइड से मैंने थोड़ी देर पहना भी था, मतलब ऐसे ट्रायल पीछे कल ट्राई किया था, अगर मैं बस वो वीडियो पड़ा होगा तो मैं साइड में शेयर कर दूंगी। तो स्लीव्स है ऐसे और फुल है यहाँ तक कि आगे तक, और पूरा प्लेन है। और इसके बाद जो है बॉटम में कुछ इस तरीके से सेम जैसे बाजुओं पे किया है वैसे डिज़ाइन किया हुआ है, सेम टू सेम। तो काफ़ी अच्छा कुर्ता मुझे ये लगा, 799 में बहुत अच्छा कुर्ता मिला है। और एक और खासियत इसकी, इसमें जो है वो लगा है लाइनिंग लगा हुआ है, तो लाइनिंग लगा हुआ कुर्ता 800 रुपये में आपको मिल रहा है, तो उससे बेहतर आपको क्या चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो, और लाइनिंग का कपड़ा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये लिबास से मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, और किसी ने लेना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही छोड़ दूंगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और आगे भी मैं भी शायद मैं अब यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर करूँ, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है सबसे बड़ी बात तो वही है, क्योंकि गूगल पे मैं ऐसे तो कई बार पैसे होते कई बार नहीं होते, बट हैंड कैश तो हमेशा होता ही होता है, तो फिर इसलिए तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर किया था। अच्छा है, और लेंथ इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी हाइट है 5.7, तो मेरे को ये जैसे मैं अपना जो नॉर्मल सूट सिलवाती हूँ वो 47-48 तक अपनी लेंथ रखती हूँ, और ये भी आई थिंक 47 है इसकी लेंथ, इतनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और इसमें डबल एक्सेल है मेरा साइज़, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ तो मेरा साइज़ डबल एक्सेल है, तो चलो मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें, क्योंकि डबल एक्सेल भी है तो है। थोड़ा सा मैं ऐसे कि खुला कुर्ते पहनती हूँ, कभी मैं टाइट कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे फिर ऐसा होता है सांस लेने में दिक्कत होती है, वैसे ही मेरा सांस फूलता है, फिर लोग बोलेंगे आपका सांस फूलता है। तो ये बाकी यहाँ पे लिबास का टैग भी लगा हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है ये। और बस ये सब कुछ ही था, और आपको कुर्ता कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ, कल के और आज के व्लॉग को एडिट करके डाल दूंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।